जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के सहयोग से मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के अलावा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय देवेंद्र सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम सत्यानंद उपाध्याय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे, बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे सहित अन्य न्यायिक अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। मेगा विधिक सेवा शिविर के माध्यम से विभिन्न कानूनी व्यवस्थाओं व सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया तथा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विधिक जानकारी भी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लोगों को सामग्री के साथ प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश ने श्रम विभाग से वितरित किए गए ट्राईसाइकिल चालकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा परिसर में विभिन्न योजनाओं के लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी देते हुए कानूनी सलाह भी दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार सेकंड ने कहा, तीसरे दृश्य में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है और दहेज ना दिए जाने पर लड़की को प्रताड़ित करना कानूनी अपराध है, तो क्या होता है? और भूल जाती है कल रात की मार का दर्द, बेल्ट के निशान व मन के लगे सर। जी नमस्ते। अरे आप देखिए, फिर हमें अपनी परेशानी बताइए। डरिए मत, आप निडर होकर अपनी परेशानी बताइए। आपको यहाँ पर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। जी मेरी शादी को 2.5 साल से ऊपर हो गए, पर शादी के बाद से मेरी सासू माँ और सब मुझे दहेज के बहुत ताने देते रहते हैं और मेरी सासू माँ बात बात पर मुझे मारती पीटती रहती है और पति भी, उन्हें शराब पीने की आदत है ना, तो जब वो पी करके घर आते हैं तो वो भी मुझ पर हाथ उठाते रहते हैं। हद तो तब हो गई जब मेरी इस हालत में भी मेरी सासू माँ ने मुझे धक कर दिया और मैं बुरी तरह चोटिल हो गई। और जब मैं ठीक होकर अस्पताल से वापस आई तब भी मुझे सासू माँ ने मारा और मुझे जबरदस्ती काम करने के लिए कहा। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। जी मेरे बुलाने पर शायद ही वो लोग यहाँ आए, आप लोग खुद बुला लीजिए, ज्यादा दूर तो नहीं है मेरा घर। ठीक है, आप इस कागज पर अपने पति का नाम और नंबर लिख कर दे दीजिए। जी ठीक है। क्या आपने अपने माता पिता की मदद मांगी? जी मैं वहाँ गई थी पर समाज का हवाला देकर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। एक्ट आपके सी महिलाओं के लिए बना है। अच्छा, बिल्कुल। इस एक्ट के तहत जो संरक्षक अधिकारी होते हैं वो यह सुनिश्चित करते हैं कि पीड़ित महिला को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सके। अच्छा। और वो यह भी सुनिश्चित करते हैं कि अगर किसी महिला को ससुराल या मायके दोनों जगह रहने को मिले तो वह आश्रय गृह में रह सकती है। कोर्ट अगर निवास आदेश दे दे तो आप अपने मकान के एक हिस्से में रह सकती हैं। कोर्ट यह भी आदेश दे सकता है कि पीड़ित करने वाला व्यक्ति घर छोड़ दे, और अगर आप किराए के मकान में रहती हैं तो उसका पूरा खर्च आपके पति को देना होगा। राधिका जी को मार नहीं सके और उनको दहेज के लिए प्रताड़ित कर सके। और माता जी, अगर राधिका ने ये कम्प्लेन यहाँ ना करके पुलिस थाने में की होती तो अभी तक आप थाने में बैठी होती। क्या थाने में? जी माँ जी, यह लीगल एंड क्लिनिक है। अगर राधिका जी ने यह कंप्लेंट थाने में की होगी तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत दूरता के लिए आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। क्या इतनी बड़ी सजा? और जुर्माना अलग से। क्या? और यही नहीं, अगर राधिका जी ने विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर करती होती तो विवाह विच्छेद भी होता और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आपको इनका भरण पोषण भी देना पड़ता। क्या? जी, घरेलू हिंसा के केस में अगर कोर्ट ने निवास आदेश दे दिया होता तो आप क्या करते? निवास आदेश वो क्या होता है? निवास आदेश में तो अगर कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि आपके मकान के एक हिस्से में राधिका जी रहेंगी तो आप उस हिस्से में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या?
जाएगी, अपनी पेरेंट की तरह मां सम्मान दे रही है, और जो बच्चा होगा या होगी वो आपको भी तो दान मांगेगी। तुम सही कह रहे हो बिटिया, चलो राधिका बिटिया घर चलो, अब तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये माताजी आपको इस तरह का सुलह करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हो सकता है आपकी मुलाकात हमसे ना हो सके, खाने में होगा। प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है उस पे अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग बताएंगे, लेकिन जो ये आज ये लीगल एड क्लिनिक या नालसा की तरफ से ये जो कार्यक्रम किया गया है, ये एक बड़ा ही डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसमें जो मार्गदर्शन डिस्ट्रिक्ट जज सर ने हमें दिया है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो जुडिशरी का एक सर ने टीम के भावना से इसको पूरा प्लान किया है, उससे हमें भी बहुत कुछ गेन हुआ है। जैसे हमारी बहुत सारी परियोजनाएं की जो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, क्योंकि जो लाभार्थी है उसको उसके नियम कानूनों की इतनी डीप जानकारी नहीं होती, जिसके कारण दलाल सिस्टम पनपता है, और हम लोग जो डिलीवर करना चाहते हैं वो चीज़ों को हम एंड जो हमारे नागरिक है वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। तो जब भी हमारी प्लानिंग हुई तो सर ने इसमें यही कहा कि आप अपने जितने विभाग हैं उनके लाभार्थियों को लेके आएंगे, पूरा डिटेल्ड में सर ने उस पर चर्चा की। तो मैं इस पहल के लिए सर का थैंक्स कहता हूँ। इसके अलावा हमें जुडिशरी को जानने का मौका मिला, और जैसे कहते हैं टीम में ही स्ट्रेंथ है, तो इस तरह के कार्यक्रम अगर होंगे और गोरखपुर की टीम को इसमें बल मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव की टीम है, और हम भी अपनी प्रोग्राम सबने जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं चाहे वो भारत सरकार के हैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हैं उसको इफेक्टिवली चला पाए की बढ़ती है, क्योंकि वो अपने हकों को अपने आप डिमांड करने लगते हैं। जो डिस्क्रिशन होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास वो अपने आप बैलेंस हो जाता है, क्योंकि डिस्क्रिशन से ही सारी प्रॉब्लमें जन्म होती है। यहाँ पे सब लोग एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड क्लास के लोग हैं, तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए आज आप लोगों को सुनूंगा। डीएम सर ने यहाँ प्रेजेंट होना था लेकिन कुछ बहुत ही अर्जेंट नीड के कारण सर ने मुझे कहा कि आप जरूर जाइए। सालसा के तत्वावधान में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में हम इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे, और न्याय सबको मिले, न्याय दरवाजे तक पहुंचे, इसको फलीभूत करेंगे। आपको कोई भी विधिक राय, विधिक सहायता या विधिक कोई आपको जानकारी लेनी हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो दिवाली न्यायालय परिसर में स्थित है वहाँ पे कार्यालय 10 से 5 तक हमेशा खुला रहता है, हमारे सचिव वहाँ उपस्थित रहते हैं, हमारे पैनल लॉयर की पूरी टीम रहती है, आपको हर स्तर से आपको कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, न केवल जिला मुख्यालय पे बल्कि इस जनपद के समस्त तहसीलों पे भी तहसील विधिक सेवा समिति की स्थापना की गई है। तहसील विधिक सेवा समिति पे हमारे तहसीलदार जो होते हैं वो सचिव होते हैं। अगर आपकी कोई समस्या हो और किन्हीं कारणों से आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आप संपर्क ना कर सके तो आप तहसीलदार साहब के माध्यम से भी जो हमारे तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव होते हैं उनके माध्यम से भी आप प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ प्रस्तुत करा सकते हैं। आपको सहायता मिल सकती है, किस किस प्रकार की विधिक सेवाएं मिल सकती है, कौन सी समस्या का क्या समाधान हो सकता है, ये बहुत बेहतरीन ढंग से मैं देख रहा हूं कि पिछले एक महीने से डेढ़ महीने से ये कैंप चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, और ये पूरा अभियान जो है हमारे जिला न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में चल रहा है, इसे तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। आज आप बाहर स्टॉल पर देख सकते हैं कि हर वर्ग के हर उम्र के लोग मौजूद हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसान हैं, सभी लोग आए हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा जागरूकता का अभियान है वो काफ़ी हद तक सफल रहा है।
और इसमें स्वयं हमारे जिला न्यायाधीश महोदय ने स्वयं रुचि ली और स्वयं कई जगह जाकर कैंप आयोजित किए, स्वयं लोगों से मुखातिब हुए, अधिकारियों से मीटिंग्स की, इसके चलते संभव हुआ। FIR करवाने से शुरू होता है और इसमें पुलिस का रोल होता है, हमारे माननीय कोर्ट का रोल होता है, हमारे जो वकील साहिबान हैं, अधिवक्ता गण हैं, उनका रोल होता है, कई एजेंसीज हैं जो इसमें सहयोग करती हैं, तब जाकर एक व्यक्ति को न्याय उपलब्ध होता है। तो ये कहना कि पुलिस न्याय दिलवाती है, ये गलत है। हम केवल एक हिस्सा हैं न्याय दिलवाने की प्रक्रिया के, और वो प्रक्रिया है लंबी, जिसमें सभी का योगदान जब रहता है, पूरे सिस्टम का योगदान रहता है, तो व्यक्ति को न्याय मिलता है। और पूरे सिस्टम को एक साथ कड़ी से कड़ी मिलाकर जोड़कर काम करने पर ही किसी व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। यहाँ कई कार्यक्रम आयोजित हुए, विशेषकर महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों की जागरूकता को लेकर अभियान में जो जागरूकता चलाई गई है, जो कार्यक्रम आयोजित किए गए यहाँ पर, ये जरूरी है, क्योंकि हमारे जो महिलाएं हैं उनको न्याय उपलब्ध होना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो घर में रहती है, समाज में बाहर कम निकलती है, उनको जागरूकता की कमी होती है, उनकी अप्रोच सिस्टम के लिए कम होती है। तो इसीलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको जागरूक किया जाए, किस प्रकार से उनको विधिक सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं, किस प्रकार से उनकी कौन सी समस्या का विधिक निस्तारण हो सकता है। और यदि इसमें हम सफल रहेंगे तो हर घर में यदि महिला जागरूक हो जाए तो पूरा घर जागरूक हो जाएगा, पूरा समाज जागरूक हो जाएगा। कि जो कार्यशाला है, मैं अनुग्रहित हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, स्वयं जिला न्यायाधीश महोदय ने हमको बुलाया और मौका दिया यहाँ पर पूरी न्याय विधिक सेवा प्रणाली का जानकारी का, सभी अधिकारियों से मुलाकात करने का। और ऐसी गोष्ठियाँ मैं सर से निवेदन करूँगा कि समय समय पर सर आपकी अध्यक्षता में होती रहे, क्योंकि आप गार्जियन हैं पूरी न्याय प्रणाली के, और जब ऐसी गोष्ठियाँ आयोजित होंगी तो इसमें जो मंथन होगा, जो अमृत निकलेगा, उसका भला, उससे पूरे समाज का भला होगा। थाने में FIR करवा सकते हैं महिलाओं के लिए, हर जिले में महिला थाना बना है अलग से, क्योंकि महिलाओं को कई बार पुरुष थानों में जाने पर हिचकिचाहट होती है सामान्य थानों पर जाने में, इसीलिए महिला स्टाफ से सुसज्जित हमारे महिला थाने हर जिले में हैं, जहां पर महिलाएं जा सकती हैं और अपनी बात महिला पुलिस कर्मियों को बता सकती हैं। साथ ही इमरजेंसी के लिए 112 के अलावा 1090 वुमन पावर लाइन भी है, जिसमें कोई महिला को यदि कोई समस्या हो तो वो 1090 डायल करके अपनी समस्या लखनऊ में स्थित हमारे कॉल सेंटर्स में नोट करवा सकती है, और वहाँ से हमको कॉल आता है उन महिला के सहयोग करने के लिए। तो ये भी हो सकता है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हमारी UP पुलिस की वेबसाइट पर तमाम योजनाएं हैं जो ऑनलाइन सबको उपलब्ध हैं। आपको अपने घरेलू नौकर का सत्यापन करवाना हो, आपको अपने एम्प्लॉय का सत्यापन करवाना हो, चरित्र सत्यापन करवाना हो, आपको EFIR दर्ज करवानी हो, कई बार हमारी कामकाजी महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि थाने पर जाकर अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो खो जाती हैं या किसी कोई छोटा अपराध हो जाता है उसका हम मुकदमा करने का समय नहीं निकाल पाते, परंतु ज़रूरी होता है। जैसे कोई आधार कार्ड किसी का गुम हो गया, कोई मोबाइल गुम हो गया, किसी की गाड़ी गुम हो गई, किसी का पर्स गुम हो गया, तो इन चीज़ों को आप जाकर ऑनलाइन EFIR रजिस्टर करवा सकते हैं, तो आपको कहीं थाने पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको EFIR करवाने पर आपको एक नंबर मिलेगा, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं आप EFIR का, और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक लीगल वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर काम आती है। आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, और साइबर अपराध जो कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, ATM फ्रॉड है, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पर मोबाइल के द्वारा ठगी कर ली जाती है, ये बड़ी कॉमन हो गई है, तो इस पर आप दर्ज करवा सकते हैं। ये भी एक लीगल आपकी वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करेगा और इसको आगे पुलिस टेकअप करके कार्यवाही करेगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे
प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि जो हीनियस अपराध है, जो ऐसे घृणित अपराध है जो समाज में कारित किए गए हैं, उनको टेकअप करके प्राथमिकता के आधार पर उसमें ट्रायल करवाया जाए और उसमें सजा करवाई जाए। तो इसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं और हमारे माननीय जिला न्यायाधीश महोदय भी इसमें पूरा सहयोग करते हैं और कई प्रकरणों में ऐसा हुआ है काफी कम समय में ट्रायल करके जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको सजा दी गई है। इसी क्रम में कुमारी प्रसाद से आग्रह करूंगा कि महोदय से कार्य मुक्ति प्राप्त। ये देखिए सरकार की तरफ से आपको सर इधर उनके द्वारा अपने साथी की मनीष सहोदिया और नितेश कुमार का मंत्री आपका नाम क्या है? का नाम अशोक। अच्छा बी इसी क्रम में मैं प्रमाण पत्र हेतु दीपांजलि प्रजापति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रमाण पत्र प्राप्त को मंच पे आए। जागरूक करने के लिए है किसको? सबसे पहले स्वयं को, पहले हम जागरूक हो कि क्या उद्देश्य है हमारे यहां होने का, क्या उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम के आयोजन का, क्या उद्देश्य है था संविधान के निर्माताओं का, क्या उद्देश्य है कि न्यायपालिका आज न्याय कक्ष की चार दीवारी से इस प्रेक्षागार की चार दीवारी में उपस्थित है। इन सभी उद्देश्यों के चिंतन का आज अवसर है। जागरूकता शिविर या जागरूकता कार्यक्रम स्वमेव यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं कोई न कोई सो रहा है, तभी तो जागने की आवश्यकता है। किसको जगाने हम आए हैं? क्या हम किसी सोए हुए को जगा रहे हैं या किसी जगे हुए को जगाने का प्रयास कर रहे हैं? यदि हम किसी जगे हुए को जगाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारा यह प्रयास असफल प्रयास होगा, और यदि आप जग गए हैं तो भारत के कोने कोने में देश को चलाने के लिए जो भी संस्थाएं एक साथ एकजुट होकर के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप स्वयं नहीं जगेंगे। कितना जान सकते हैं? जानने की जागरूकता, जानने की इच्छा सर्वप्रथम जरूरी है। यकीन मानिए आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य सफल है यदि यहां से दो व्यक्ति भी जागरूक होके जा रहे हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं, भारत के अंतर्गत प्रदत्त संविधान के अधिकार, संवैधानिक अधिकार या कर्तव्य, जिनकी बात हमारे प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने कहा। हम मैच कोरो में एक फॉर्मेलिटी में पड़ गए हैं, औपचारिकता में चीजों को करते जा रहे हैं। बड़ी पीड़ा होती है हृदय में, वेदना पहुंचना चाहती है, क्योंकि वास्तव में हम चार दीवारी में बैठ करके न्याय की उस संकल्पना को साकार कर पा रहे हैं कि नहीं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। पूछना चाहूंगा उन माताओं से, उन बहनों से, उन बेटियों से कि दहेज हत्या के पीछे क्या कोई महिला नहीं है?
क्या कोई माएं, कोई बहनें, कोई भाभियां नहीं है? झांक के देखिएगा, 99.9% मामलों में किसी भी महिला को यदि प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ क्रूरता की जाती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई महिला का ही हाथ है। विडंबना है ये व्यवस्था की, विडंबना है ये सिस्टम का। भारत के 140 करोड़ की आबादी में यदि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस लगाया जाए तो एक दूसरा भारत बसाना पड़ेगा, जो कि कतई संभव नहीं है। जब तक आप नहीं जगोगे कोई कानून नहीं जगा सकता, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। मरने के लिए थोड़ा सा चाहिए, लेकिन जीने के लिए बहुत ज्यादा जहर पीना पड़ता है। अधिकार यू ही नहीं मिलेंगे, अधिकार यूं ही मिलते भी नहीं है। क्या आपको आजादी का अधिकार यूं ही तोहफे के रूप में मिल गया? क्या हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को, अपने सर्वस्व को निछावर नहीं किया? क्या दे रहे आज आजादी के इस महोत्सव को? यदि सही माने में सच्ची आजादी के महोत्सव को सार्थक और साकार करना चाहते हैं तो आप आज जग जाइए। सर्वप्रथम आप सिर्फ सजग हो जाइए, बाकी तो हम लोग हैं आपके साथ। आप सजग होंगे तभी हम तक आएंगे, और हम तक आएंगे तो विश्वास दिलाता हूं कि हम जैसे बहुत से चाहने वाले देश के, वो किसी भी कैपेसिटी में आपको न्याय दिला करके ही रहेंगे। यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएं चलाई जा रही है, वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित और प्रचलित योजनाएं का 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक 45 दिनों का जो दिन प्रतिदिन का कार्यक्रम चलाया गया, उसमें हमारे सभी गोरखपुर जनपद, जो कि बुद्ध की पावन धरती है, और यहाँ पर ऐसे विचारों का हमेशा आदर किया जाता है, वो सत्य व न्याय की खोज के लिए हमेशा प्रसिद्धि पाते हैं। जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। कुछ कार्ड वार्ड बना जी सर? 15 फार्म 15 जी सर, बहुत बढ़िया। और ये इसकी पॉस मशीन है, इसी से जो है उनका दर्शन विक्रम होता है। सर प्रणाम। ये डॉक्टर साहब सर प्रणाम। सर आयुर्वेद विभाग और एलोपैथ विभाग सर। आयुर्वेद वास्तव में कुछ कर रहा है काम? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। हम लोग जो है अपने तरफ से सर आपको आयुष्मान जो है जी ये सर सबको दिलवा दीजिए। उनकी स्टाल लगे हैं सर के द्वारा, उसका निरीक्षण किया जा रहा है।
ये मीनिंग है सर, ऑपरेशन कायाकल्प जो हमारा चल रहा है उसके तहत ये विद्यालय जो चल रहा है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के सहयोग निर्देश में ये राज्य सरकार केंद्र सरकार जो नालसा के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी विधिक जानकारी देना और लाभार्थियों को मौके पर ही आयोजन स्थल पर लाभ प्रदान किए जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया और उनको लाभ प्रदान किया गया।